अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, उठो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, मददगार अपने ही हो तुम ये याद रखो कि पड़ोस में भी अब बचाने वाला कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 25 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2017 से लगाए अब तक के सारे महीनों के मंथली करंट अफेयर के PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा दिवाली ऑफर है, मेरा दिवाली का गिफ्ट है ये आप लोगों के लिए कि आप जो है हर महीने का PDF फ्री में डाउनलोड कीजिए। सारे PDF के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यानी कि जितने भी मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी फ्री PDF वाली। तो फटाफट जो है पूरा वीडियो देखिए और PDF को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप जो है पहले से तैयार हो सके। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो ये महीना चल रहा है तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज थे यानी कि फास्ट बॉलर थे जेम्स पैटिनसन, इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए जो आपके जेम्स पैटिनसन हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैच खेले थे। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो आपके जेम्स पैटिनसन हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे लेकिन जो घरेलू क्रिकेट होता है वो उसको खेलेंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में 79वें पोजीशन पर है और इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क पहले, नॉर्वे दूसरे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, 79वें स्थान पर भारत, 139वें स्थान पर वेनेजुएला है और 129वें स्थान पर कंबोडिया है, 137वें स्थान पर आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। याद रखिएगा जो आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 है जिसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है इसमें भारत 79वें पोजीशन पर है। देखिए जो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 है तो ये जो है देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है जिसमें 1 कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। और अगला प्रश्न हमारा ये किस व्यक्ति ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता। तो देखिए यूरोपीय संघ का जो सखारोव पुरस्कार है इसको एलेक्सी नवलनी ने जीता है। देखिए जो आपके एलेक्सी नवलनी है ये रूस के विपक्षी नेता हैं और एलेक्सी को व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं तो व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए इनको सखारोव पुरस्कार दिया गया है यूरोपीय संघ का। देखिए जो आपका यूरोपीय संघ का ये सखारोव पुरस्कार है, ठीक है, तो ये यूरोपीय संसद का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। चौथा प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे मतलब पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, तो इन्होंने ट्रूथ नाम का एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह हैं तो उसी प्रकार आपका ट्रूथ भी होगा। देखिए हुआ क्या था, इनको ऐसा काम क्यों करना पड़ा, भैया नेता हैं तो नेतागिरी करें, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों बना डाला। देखिए जो आपके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इनको इसी साल शुरुआत में जो है फेसबुक और ट्विटर दोनों से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, इनका अकाउंट वगैरह डिलीट कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था और इसीलिए ये थोड़ा सा बौखला गए। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है बेटा फेसबुक और ट्विटर तुमने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया है, फेसबुक और ट्विटर से मुझे भगाया है, अब मैं तुमको जो है भगाऊंगा कैसे, तुम्हारे बराबर एक कंपनी खड़ा करूंगा। तो इन्होंने इसलिए जो है जो आपका ये ट्रूथ नाम का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो आपका ये ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप नामक एक नए उद्यम का उत्पाद होगा और ये एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप जो ट्विटर या फेसबुक को टक्कर दे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ट्रूथ को किसने लॉन्च किया है, ट्रूथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है, ठीक है।
और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एमएम स्टाइल्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखिए अभी हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एमएम स्टाइल्स में टोटल 40% हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए आपको बता दूं, मनीष मल्होत्रा जो कि भारत के एक जाने माने फैशन डिजाइनर हैं, तो इन्होंने 2005 में अपने इस कंपनी एमएम स्टाइल्स को लॉन्च किया था। देखिए इनके 4 शोरूम हैं मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद में, तो 4 स्टोर हैं बड़े बड़े। और मनीष मल्होत्रा के कपड़े महंगे भी होते हैं भाई, ये फैशन डिजाइनर हैं, बॉलीवुड के लोगों का फैशन डिजाइनिंग करते हैं ये, साथ में ये बहुत बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते हैं उनके भी कपड़ों को डिजाइन करते हैं मनीष मल्होत्रा। तो मनीष मल्होत्रा की अब का एक रिटेल ब्रांड है, रिटेल स्टोर है एमएम स्टाइल्स, इसमें 40% हिस्सेदारी किसकी अब हो गई है, रिलायंस ब्रांड्स की। और छठवां, ये अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना। देखिए प्रश्न थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा होगा लेकिन इसको हाजमुला खा के हजम कीजिए कि अभी हाल ही में जो आपका बारबाडोस नाम का एक देश है इसने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। देखिए अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए राजशाही चलती थी, किसकी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की। तो थोड़ा सा मैं कुछ इंटरेस्टिंग आज बताऊंगा इस प्रश्न में। देखिए आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आज़ादी के बाद भी उनकी राज्य प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हैं, और बारबाडोस में भी ऐसा था, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन वहाँ की महारानी मतलब वहाँ पे रेगुलेशन किसका था, ब्रिटेन की महारानी का, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एलिजाबेथ का। देखिए बारबाडोस अब ऐसा देश नहीं होगा, उसने पूरी तरीके से गणराज्य यानी कि रिपब्लिक स्टेट होने का फैसला कर लिया है और अपने राष्ट्रपति का चुनाव भी कर लिया है। और अभी हाल ही में बारबाडोस में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर चुनाव में डेम सेंड्रा मेसन जो है बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति चुनी गई। तो देखिए ये प्रश्न तो आपका एक मैंने बनाई दिया है, ये प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में बारबाडोस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वहाँ पर कौन हाल ही में बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति चुनी गई, तो इनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन, यहाँ पर इनकी फोटो दिख रही है। आइए थोड़ा सा हम बारबाडोस का इतिहास जान लेते हैं, लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है या आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे आपका एक छोटा सा द्वीपीय देश है बारबाडोस, ठीक है, बहुत छोटा है ये। देखिए होता क्या था, पुराने ज़माने में अंग्रेज क्या करते थे, विभिन्न देशों के लोगों को जो है, जो काले लोग होते थे जैसे कि मान लीजिए इंडियंस हो गए, साउथ अफ्रीकन हो गए, तो काले गोरे का बहुत भेद था उस समय, नस्ली भेदभाव बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों को ये पकड़ कर जहाज में लेके जाते थे गुलाम बनाकर, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ लोगों को ये भारत से उठा के ले गए गुलाम बनाकर, कहाँ पे, बारबाडोस में, कुछ अफ्रीकन लोगों को, और जाके बारबाडोस में बसा दिया, किस लिए बसाया, गन्ने की खेती के लिए। तो देखिए प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित जो आपका ये बारबाडोस देश है, ठीक है, तो इस देश को अंग्रेजों ने अफ्रीका और भारत से गन्ना उत्पादन के लिए लाए गए गुलामों की मदद से आबाद किया था, यानी कि अफ्रीका और भारत के जो गुलाम थे वही इस देश बारबाडोस में रहते हैं, इनसे गन्ने की खेती करवाने के लिए जो आपके अंग्रेज लोग हैं वो ले गए थे, इनको यहाँ पे बसा दिया था। तो मतलब इनका मेन ये टारगेट था कि यार इस द्वीप पे तो मिट्टी बहुत अच्छी है, गन्ने की खेती होगी, तो इसीलिए भारत के लोगों को पकड़ा और अफ्रीका के लोगों को, तो बहुत जुल्म किया अंग्रेजों ने। तो देखिए जो बारबाडोस है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कैसे ये आबाद हुआ था, कैसे बसाया गया था छोटा सा देश। देखिए बारबाडोस जो है यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में मियाँ मोटली, राजधानी है ब्रिज टाउन, और बारबाडोस की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर, और ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को कोविड-19 टीकों की कितने करोड़ की खुराकें पूरी कर ली। देखिए ये डाटा याद रखना आपको क्योंकि कोविड-19 सबसे चर्चित बीमारी है पूरी दुनिया की, ठीक है, तो 21 अक्टूबर 2021 को कोविड-19 टीकों की कुल 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली है भारत ने, यानी कि 100 करोड़ लोगों को जो है कोरोना का टीका लग चुका है। देखिए सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। तो 100 करोड़ खुराकें जो है पूरी कर ली हैं, 100 करोड़ टीके लग चुके हैं भारत में 21 अक्टूबर 2021 तक, डेट वाइज ये डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। आठवां की अक्टूबर 2021 में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया। तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका को भारत ने जो है तरल नाइट्रोजन उर्वरक दिया है।
देखिए, श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद करने के लिए भारतीय उर्वरक सहकारी संस्था इफको से जो है 3.1 बिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेपाली में दी गई है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत ने किस देश को जो है गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका को। और भारत की किस कंपनी ने इस उर्वरक को दिया है? तो देखिए, मक्का और धान की खेती के लिए जो भारतीय उर्वरक सहकारी संस्था इफको है, तो इफको ने जो है 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की खेप जो है श्रीलंका को दी है। नवा प्रश्न की माउंट एसो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये किस देश में स्थित है? देखिए, जो आपका माउंट एसो है, ये आपका जापान में स्थित है, ठीक है। देखिए, जो माउंट एसो है, ये जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बता दूं, जो आपका माउंट एसो है, ये जापान के क्यूशू द्वीप में स्थित है और इसकी चोटी समुद्र तल से कुल 1592 मीटर ऊपर स्थित है। देखिए, जापान का जो माउंट एसो है, तो माउंट एसो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, जिससे आकाश में 3500 मीटर से अधिक गर्म गैस और राख का एक विशाल स्तंभ फैल गया। तो माउंट एसो कहाँ पे है? जापान में। यहाँ पर बहुत ही भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हाल ही में हुआ था। और 10वां प्रश्न की अक्टूबर 2021 में किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल राडाकिन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? तो देखिए, ये देश आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन के नौसेना के चीफ एडमिरल राडाकिन अभी हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे और अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटेन की नौसेना के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल सर टोनी राडाकिन, इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह, इनसे भेंट की। देखिए, द्विपक्षीय नौसैन्य सहयोग के अन्य मुद्दों के अलावा दोनों नौसेना प्रमुखों ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग करने पर बल दिया। और देखिए, अपनी यात्रा के दौरान जो आपके कौन है एडमिरल राडाकिन, ठीक है, तो अपनी यात्रा के दौरान ये भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय मुंबई पर भी गए, जहां उन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार से बातचीत की। 11वां प्रश्न भी आपका जो है ये ब्रिटेन से ही है। अक्टूबर 2021 में किस देश की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस जो है भारत के 3 दिवसीय दौरे पर थी? देखिए, प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। अभी यूपीपीएससी का जो मेंस हुआ था, किसका एक एग्जाम था आपका लोअर वाला, ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था, आप कमेंट को पढ़ भी सकते हैं कि सर एकदम हूबहू जैसे आप प्रश्न दे रहे हैं वैसे एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, मैं सारे एग्जाम के प्रश्न ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे किस प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है, तो वैसे प्रश्न इसलिए यहाँ पर बना देता हूँ ताकि एग्जाम में हूबहू प्रश्न मिल जाए और आपको सुविधा हो। तो देखिए, जो आपकी ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं एलिजाबेथ ट्रस, ये भी हाल ही में अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर थी और अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने अपने भारतीय समकक्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात किया और ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने व्यापार स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा किया। और अपनी इस यात्रा का उद्देश्य, मतलब इनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना था। तो ब्रिटेन की विदेश मंत्री का क्या नाम है? एलिजाबेथ ट्रस। ये भी हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थी अक्टूबर महीने में। 12वां प्रश्न की, हाल ही में किस देश ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया? देखिए, अभी यूपीपीएससी का एग्जाम कल हुआ था, तो उसमें बहुत सारे करेंट अफेयर जो है ऐसे ही पूछे गए थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी एक सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, तो ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों का ये 7वां बैठक था जो कि 22 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और देखिए, भारत के जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान है, इन्होंने इस वीडियो का इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि ये जो मतलब बैठक थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत के केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने। और उल्लेखनीय है कि भारत ब्रिक्स का वर्तमान में अध्यक्ष भी है, इसलिए भारत अध्यक्षता कर रहा है सारे सम्मेलन की। देखिए, ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता वर्णमाला के क्रम में बदलती है और इस तरह 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन करेगा। देखिए, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? BRICS, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता जो है वर्णमाला के क्रम में आगे बढ़ती है। तो पहले ब्राजील ने अध्यक्षता की थी, फिर रसिया ने की थी, अब इंडिया कर रहा है, इंडिया के बाद फिर चाइना का नंबर आएगा 2022 में,
फिर 2023 में फिर साउथ अफ्रीका का नंबर आएगा। तो ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। देखिए जो ये बैठक हुई थी, कौन सी बैठक, 22 अक्टूबर 2021 को जो ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक थी। तो इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स कार्यबल के संदर्भ की शर्तों को अपनाया और 2021 में कई कार्य समूह की बैठक में नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी के काम में प्रगति का समर्थन किया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, बताइए। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि जो क्लासेस हैं वो 6 बजे से कर दूँ, ठीक है। आप 6 AM पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, मतलब मेरी करंट अफेयर वाली। 5:30 बजे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ठंडी का मौसम आ रहा है तो मैं भी थोड़ा सा सो लूंगा लेट तक। दूसरा प्रश्न है कि मोल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मोल दिवस को हम कब मनाते हैं, इसको मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि नेशनल केमिस्ट्री वीक 2021 कब से कब तक मनाया गया, बताइए। और पांच चौथा कि आधार है काथम 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल के का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो देखिए इनका नाम है गीता गोपीनाथ। दूसरा था कि इंटरनेशनल स्टैंडरिंग अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 22 अक्टूबर को मनाते हैं। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की, तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और चौथा था हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल के खिलाड़ी थे, तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। पांचवा था कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है इम्तियाज अली, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।